सुजानपुर में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। उपमंडलाधिकारी शिल्पी बेगटा द्वारा सिविल अस्पताल सुजानपुर में दौरा किया गया। इस दौरान उनके साथ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश डोगरा भी मौजूद रहे। उपमंडलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए इंतजामों का जायजा लिया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में हफ्ते में 2 दिन टीकाकरण किया जाएगा। खंड स्वास्थ्य शिक्षक कमल भारती ने बताया कि सुजानपुर टीरा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौरी में आज टीकाकरण किया जा रहा है। इसके उपरांत 20 मई को स्वास्थ्य केंद्र बनाल में, 24 मई को जंगलबेरी में, 27 मई को चबूतरा में, 24 तारीख को जंगलबेरी में और चबूतरा में, 27 मई को स्वास्थ्य केंद्र खैरी और गब्बर में टीकाकरण आयोजित किया जाएगा, तो वहीं 31 तारीख को भलेट और सुजानपुर में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है, वे ही लोग अस्पताल में टीका लगवाने आए। लाभार्थी है या वो बेनिफिशरी है उनको वैक्सीन दी जाएगी, पर वैक्सीन उन्हीं को दी जाएगी जो ऑनलाइन स्लॉट में एंटर है और किसी और को तो जो वैक्सीन नहीं दी जाएगी। और बिना मतलब के या बिना वजह से जो है वो भीड़ एकत्रित ना करें, ठीक है। और वैक्सीन लगाते समय जो है कोरोना बिहेवियर का जो कोरोना प्रोटोकॉल है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उनका पालन करें, ठीक है। और उसके बाद भी जाके घर में जाके मास्क का या भीड़ वाले इलाकों पर जगह ना जाए, मास्क का प्रयोग करें, ठीक है। और 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ साफ करिए। इसमें से सरकार द्वारा आरोग्य सेतु पोर्टल पे ऐप पे भी सुविधा दी गई है और आप वेबसाइट एड्रेस cowin.gov.in पे जा सकते हैं। उसमें आप पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, आपको OTP आएगा, आप अपना आधार नंबर करके आपको रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैक्सिमम मैंने देखा कि लोग उसको समझ लें कि हमारा स्लॉट बुक हो गया है, पर वो सिर्फ एक आपकी एंट्री हुई है। उसके बाद आपने अपना प्रदेश डाल के, हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करके, फिर जिला डाल के, फिर उसको सर्च करना है आपने, फिर आपको स्लॉट दिखेंगे। अगर आपकी आयु 18 से 44 वर्ष के बीच में है तो आपने अपने आयु सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको डेट डालनी है, क्योंकि प्रदेश द्वारा अभी तक सिर्फ एक ब्लॉक में हफ्ते में 2 ही सेशन रखे गए हैं, एक सोमवार को और एक वीरवार को। जैसे कि आज बीमू सर ने बताया आपको कि SD महोदया ने उद्घाटन कर दिया है, तो आज सिर्फ 100 व्यक्तियों को ही वैक्सीनेशन होगी और ये 100 व्यक्ति सिर्फ ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड होंगे, मौके पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो इसलिए सर आज जो 100 व्यक्तियों को वैक्सीनेशन दी गई, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल 100 के 100 सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और ये आपको मैं बता दूं, अब हमारा अगला सेशन जो है वो जैसे आज हमारा सुजानपुर और चौरी है, तो 100 वैक्सीनेशन यहाँ होगी, 100 चौरी में होगी और दोनों स्लॉट ऑनलाइन बुक थे। अब अगला हमारा जो सेशन है वो 20 तारीख को बनाल और पटलांदर में है, तो जो व्यक्ति वहाँ जिसको नज़दीक लगता है सुजानपुर की, जो हमारे प्रिय जनता है जिनको नज़दीक लगता है बनाल या पटलांदर, वो 18 तारीख को यानी कि कल ये दोपहर 1 बजे स्लॉट खुलेंगे, मतलब 1 बजे इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और ये बहुत जल्दी करनी पड़ती है। तो जो व्यक्ति 20 तारीख को लगवाना चाहते हैं वो मतलब कल मतलब 18 तारीख को 1 बजे उसको ऑनलाइन चेक करें और अपनी एंट्री ऑनलाइन करवाएं। 1 बजे सर क्या वैक्सीनेशन की कोई कमी विभाग के नजर आ रही है? कोई कमी नहीं है।